हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बिहार के शिक्षकों के लिए आई अच्छी खबर के, और शिक्षकों को यहां पर पुराने तरीके से 60 दिनों की छुट्टी देने की अब यहां पे बातें हो रही हैं। और आप लोग को पता ही है कि अभी जो जितने भी नियोजित शिक्षक हैं या फिर जितने भी बिहार में भी शिक्षक है BPSC होंगे, उसके बाद साथ ही साथ जो नियमित शिक्षक है सभी का अगर बात करेगा तो इस वर्ष गर्मी की छुट्टी में कटौती कर दी गई थी, और साथ ही साथ इस बार 60 छुट्टी भी नहीं दिया गया है, जिसको देखते हुए अब जो है यहाँ पर कमेटी बनी है। उस कमेटी की बैठक कल यानी कि 11 जुलाई को होना है, और उससे पहले यहाँ पर आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ निकल करके आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक संघ के द्वारा अगर बात करेगा तो कमेटी को एक पत्र दिया गया है जिसमें 60 दिनों की छुट्टी और शिक्षकों को गर्मी की छुट्टी देने की बात की गई है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शिक्षा विभाग की कमेटी को सुझाव। पटना, सभी कोटि के शिक्षकों के लिए ऐच्छिक पदस्थापन की नीति तय करने के सुझाव शिक्षा विभाग की कमेटी को परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने दिया है। शिक्षा विभाग की कमेटी के अध्यक्ष को दिए गए सुझाव में परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष बंसीधर बजवासी ने कहा है कि सहायक शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, नियोजित शिक्षकों एवं विशिष्ट शिक्षकों के ऐच्छिक पदस्थापन की नीति तय की जाए। सभी कोटि के शिक्षकों के लिए पदोन्नति के पर्याप्त अवसर तय किए जाएंगे जाए, विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता का लाभ दिए जाए, सेवा काल में मृत शिक्षकों के आश्रितों को पूर्ण वेतनमान में अनुकंपा का लाभ दिया जाए, स्कूल संचालन की अवधि पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक किए जाएँ, पूर्व में घोषित 60 दिवसीय अवकाश की नीति लागू की जाए, ग्रीष्म अवकाश की सुविधा शिक्षकों के पूर्ववत दी जाए, शिक्षकों को भी 33 दिनों के अर्जित अवकाश दी जाए। तो यहाँ पर ये मांग पत्र रख दिया गया है। अगर बात करिएगा हमारे जो कमेटी की बैठक हो रही है जो कि शिक्षकों के समस्याओं के समाधान हेतु बनाया गया है, जिसकी अगर बात करिएगा उसका 15 तारीख उनको जो है 15 दिनों का समय दिया गया था, जिसके बाद 11 जुलाई को बैठक की तारीख तय हुई है। तो उम्मीद है कि कल जो है यहाँ पर 11 तारीख है और कल के ही डेट में शिक्षकों के लिए गुड न्यूज़ निकल करके आए और शिक्षकों की जो विभिन्न समस्याएं हैं वो यहाँ पे दूर हो जाए। इससे पहले परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ की अगर बात करिएगा, उसके अध्यक्ष महोदय की अगर बात करते हैं तो वो बंसीधर बजवासी है, जो कि समय समय पर शिक्षकों की समस्याओं को उठाते रहे हैं और सरकार के समक्ष और विभिन्न अधिकारियों के समक्ष अपनी बातों को रखते रहे हैं, और तरह तरह के जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उनका भी जो है वो पोल खुलते रहे हैं। तो यहाँ पर उनके द्वारा यह उठाया गया काफ़ी अच्छा कदम है, जिसमें शिक्षकों के सभी संवर्ग, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, नियोजित हो, नियमित हो या फिर BPSC TRE 1 TRE 2 के शिक्षक हो, सभी के लिए उनके द्वारा बातें को जो है सरकार की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया है, जिसके बाद यहाँ पर इन शिक्षकों के लिए अच्छी खबर यहाँ पे निकल करके आ सकती है, और कल 11 जुलाई को ही यहाँ पर इन सभी चीज़ों को जो है लागू किया जा सकता है, जिसमें नया आप लोग का जो अवकाश तालिका है उसको दिया जाएगा या फिर जो है आप लोग का जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है उसमें बदलाव किया जाएगा। ये सभी चीज़ें आप लोग को कल के डेट में देखने को मिल सकती है। तो यही था इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को इसके विषय में जानकारी मिले। वीडियो को जो है अगर आप लोग पसंद करते हैं तो उसको ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बिहार के शिक्षकों के लिए आई अच्छी खबर के, और शिक्षकों को यहां पर पुराने तरीके से 60 दिनों की छुट्टी देने की अब यहां पे बातें हो रही हैं। और आप लोग को पता ही है कि अभी जो जितने भी नियोजित शिक्षक हैं या फिर जितने भी बिहार में भी शिक्षक है BPSC होंगे, उसके बाद साथ ही साथ जो नियमित शिक्षक है सभी का अगर बात करेगा तो इस वर्ष गर्मी की छुट्टी में कटौती कर दी गई थी, और साथ ही साथ इस बार 60 छुट्टी भी नहीं दिया गया है, जिसको देखते हुए अब जो है यहाँ पर कमेटी बनी है। उस कमेटी की बैठक कल यानी कि 11 जुलाई को होना है, और उससे पहले यहाँ पर आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ निकल करके आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक संघ के द्वारा अगर बात करेगा तो कमेटी को एक पत्र दिया गया है जिसमें 60 दिनों की छुट्टी
और शिक्षकों को गर्मी की छुट्टी देने की बात की गई है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शिक्षा विभाग की कमेटी को सुझाव पटना, सभी कोटि के शिक्षकों के लिए ऐच्छिक पदस्थापन की नीति तय करने के सुझाव शिक्षा विभाग की कमेटी को परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने दिया है। शिक्षा विभाग की कमेटी के अध्यक्ष को दिए गए सुझाव में परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष बंसीधर बजवासी ने कहा है कि सहायक शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, नियोजित शिक्षकों एवं विशिष्ट शिक्षकों के ऐच्छिक पदस्थापन की नीति तय की जाए। सभी कोटि के शिक्षकों के लिए पदोन्नति के पर्याप्त अवसर तय किए जाएंगे जाए। विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता का लाभ दिए जाए। सेवा काल में मृत शिक्षकों के आश्रितों को पूर्ण वेतनमान में अनुकंपा का लाभ दिया जाए। स्कूल संचालन की अवधि पूर्वाहन 10 बजे से अपराहन 4 बजे तक किए जाएँ। पूर्व में घोषित 60 दिवसीय अवकाश की नीति लागू की जाए। ग्रीष्म अवकाश की सुविधा शिक्षकों के पूर्ववत दी जाए। शिक्षकों को भी 33 दिनों के अर्जित अवकाश दी जाए। तो यहाँ पर ये मांग पत्र रख दिया गया है। अगर बात करिएगा हमारे जो कमेटी की बैठक हो रही है जो कि शिक्षकों के समस्याओं के समाधान हेतु बनाया गया है, जिसकी अगर बात करिएगा उसका 15 तारीख उनको जो है 15 दिनों का समय दिया गया था, जिसके बाद 11 जुलाई को बैठक की तारीख तय हुई है। तो उम्मीद है कि कल जो है यहाँ पर 11 तारीख है और कल के ही डेट में शिक्षकों के लिए गुड न्यूज़ निकल करके आए और शिक्षकों की जो विभिन्न समस्याएं हैं वो यहाँ पे दूर हो जाए। इससे पहले परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ की अगर बात करिएगा, उसके अध्यक्ष महोदय की अगर बात करते हैं तो वो बंसीधर बजवासी है, जो कि समय समय पर शिक्षकों की समस्याओं को उठाते रहे हैं और सरकार के समक्ष और विभिन्न अधिकारियों के समक्ष अपनी बातों को रखते रहे हैं और तरह तरह के जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उनका भी जो है वो पोल खुलते रहे हैं। तो यहाँ पर उनके द्वारा यह उठाया गया काफ़ी अच्छा कदम है, जिसमें शिक्षकों के सभी संवर्ग, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, नियोजित हो, नियमित हो या फिर BPSC TRE 1 TRE 2 के शिक्षक हो, सभी के लिए उनके द्वारा बातें को जो है सरकार की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया है, जिसके बाद यहाँ पर इन शिक्षकों के लिए अच्छी खबर यहाँ पे निकल करके आ सकती है और कल 11 जुलाई को ही यहाँ पर इन सभी चीज़ों को जो है लागू किया जा सकता है, जिसमें नया आप लोग का जो अवकाश तालिका है उसको दिया जाएगा या फिर जो है आप लोग का जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है उसमें बदलाव किया जाएगा। ये सभी चीज़ें आप लोग को कल के डेट में देखने को मिल सकती है। तो यही था इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को इसके विषय में जानकारी मिले। वीडियो को जो है अगर आप लोग पसंद करते हैं तो उसको ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।